हेलो एंड वेलकम टू भजवाई। गणपति बप्पा को मोदक बहुत पसंद है, इसलिए खास करके जब गणेश पूजा का वक्त आता है तो उनको प्रसाद के रूप में भोग के लिए मोदक चढ़ाते हैं। मोदक कई ढंग से लोग बनाते हैं, नारियल के, खोए के या कोई भी स्वीट, इवन नमकीन मोदक भी बनाए जाते हैं। पर जो ट्रेडिशनली मोदक बनाए जाते हैं वो चावल के आटे में गुड़ और नारियल की स्टफिंग करके उसे स्टीम करके बनाते हैं। तो आज मैं अपने किचन में आपको उसी ट्रेडिशनली जो मोदक है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई में 2 कप पानी लूंगी। आप किसी भी कटोरी या कप, जो भी आपके घर में हो, एक से नाप मेजरमेंट करें। तो मैंने यहाँ पे, आप देखिए, 2 कटोरी पानी लिया है और उसी कटोरी से जब ये हमारा पानी गर्म हो जाए, आप देखिए हल्के से बुलबुले आ रहे हैं, तो 1 चम्मच मैं यहाँ पे घी डालूंगी। घी डालना बहुत जरूरी है क्योंकि वो इस आटे को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। अब मैं इसमें उसी कटोरी से 1 कप चावल का आटा डालूंगी और गर्म पानी में इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। हमारा गैस अभी ऑन है, पर अब आप चाहें तो गैस को ऑफ कर दीजिए और पूरे अच्छे तरह से इस चावल के आटे को हमें मिक्स करना है। अगर जरूरत पड़ी तो मैंने यहाँ पे देखिए 1 चम्मच और चावल का आटा डाला है। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे ठंडा होने के लिए हमें छोड़ देना है। करीब आधा घंटा से 45 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। फिर मैं इसे एक अलग से परात या बाउल, जिसमें मुझे इसे इसकी डो तैयार करनी है, उसमें डाल दूंगी। तो मैं यहाँ पे आटा गूंथने वाला एक परात में डालती हूँ। ये आटा उतना ठंडा होना चाहिए ताकि आप इसे हाथ से आसानी से गूंथ सके। अब आटा गूंथने टाइम अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए या घी, जो आपका पसंद हो, और इसे मलना है। घी या तेल लगाना बहुत जरूरी है, इसी से आटा सॉफ्ट बनता है। तो जिस समय मैं ये आटा गूंथ रही हूँ, ये आटा एकदम पूरा ठंडा नहीं हुआ, हल्का वॉर्म है, पर इतना है कि मैं इसे हाथों से अच्छी तरह से हैंडल कर सक रही हूँ। बहुत आसानी से ये आटा गूंथ जाता है और देखिए हमारा आटा अब एकदम चिकना होने की तैयारी है। बस इसे हम, ये देखिए मेरा डो एकदम रेडी हो चुका है। एक बार आपका डो रेडी हो जाए तो आइए स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो एक बाउल मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और इसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। जैसे थोड़ी ही देर में, करीब 2 से 3 मिनट में आपको नारियल की खुशबू सी आने लगेगी, तो समझिए आपका नारियल हो चुका है। अब इसमें हमें गुड़ डालना है। हल्के हाथों से इसे चलाते रहना है ताकि नारियल जले नहीं हमारा। और ये करीब 3/4 कप मैं गुड़ डालूंगी। आपको लग रहा होगा कि शायद ये गुड़ बहुत ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है। इसे मीठा, इस मिक्सचर को होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमारे जो चावल का आटा है उसमें कुछ भी टेस्ट नहीं होता है, तो इसी की स्वीटनेस उसको एक अच्छा सा टेस्ट देती है। ये देखिए गुड़ एकदम पिघल चुका है। अगर आपको गुड़ में पिघलने में थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है तो उसमें 2 चम्मच आप मिल्क डाल दीजिए। उससे क्या होता है, गुड़ आसानी से पिघल जाती है और वो टाइट नहीं बनती है। ये जो हमारा मिक्सचर है ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है। अब इस मिक्सचर को हमें कूल होने के लिए छोड़ देना है। एक बार जब ये मिक्सचर आपका कूल हो जाए तो आप इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लीजिए। आपके मोदक का जो मोल्ड आपके पास है वो जितना बड़ा साइज का है उसी हिसाब से आप अपनी स्टफिंग की गोलियां तैयार कर लीजिए। मैंने यहाँ छोटी छोटी सी गोलियां बनाई हैं और ये रहा मेरा मोदक का मोल्ड। इसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करना है
और जो हमारा डो रेडी है, आप देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है ये आटा। इसे हाथों की सहायता से हम थोड़ा लंबा करेंगे और जो पाइप के जैसा बना के और उसमें इनसाइड में हम उसे भर देंगे। फिर उंगलियों की सहायता से इसके वॉल पे हमें इसे चिपकाना है। ओके, अब आप देखिए एक होल तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, जो हमारा स्टफिंग की बाउल है उसे भी लंबा करके इसे इधर से डाल दूंगी। बस हल्का सा इसे अंदर ढकेला और ये देखिए चावल के आटे से ऊपर से इसे बंद कर देना है। अब इस मोल्ड को खोल देंगे और आप देखिए खूबसूरत सा एकदम शेप में हमारा मोदक तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी के सारे मोदक को स्टफ कर लेंगे। तो एक दो मोदक आप जैसे स्टफ करोगे आपसे बनने लगेगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा इसे। और एकदम सुंदर सा जब ये मोदक निकलता है तो देख के दिल खुश हो जाता है। ये मोदक हमारा तैयार हो चुका है। बस अब एक प्लेट को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और उसमें सारे मोदक को हमें डाल देना है जो हमने स्टफिंग बनाई है। इसे दूर रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फूलता वगैरह नहीं है, जो शेप है इसी शेप में रहेगा। और इसे स्टीमर में डाल के स्टीम कर देंगे। मैंने यहाँ कढ़ाई में नीचे आप देखिए पानी डाला है और एक जाला रखा और उसके ऊपर इस प्लेट को रख के करीब 7 से 10 मिनट, 7 मिनट में ही एक्चुअली ये हो जाएगा, आप स्टीम करिए और आप देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है, एकदम वाइट। इस मोदक की कलर और खूबसूरती ब्यूटी को देखकर ही बप्पा इस पे मोहित हो जाते हैं। तो आप भी इस गणपति पूजा में इस ट्रेडिशनली मोदक को जरूर प्रसाद के लिए अपने बप्पा के लिए बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए भूखर ज्वाइंट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।